फोन कॉल्स, लव लेटर से फॉलो करने तक, पहली पत्नी को पटाने संजय ने बेले थे पापड़। संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म संजू का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ। फिल्म में संजय का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में बताया गया है कि संजय की करीब 350 गलत फ्रेंड थी। इन्हीं में से एक है ऋचा शर्मा, जो संजय की पहली पत्नी बनी थी। एक लोकल मैगजीन में ऋचा की फोटो देखकर संजय उन पर फिदा हो गए थे। डैश एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए संजय न्यूयॉर्क से मुंबई शिफ्ट हो गई। जब ऋचा 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उस वक्त उनकी मुलाकात देवानंद से हुई। तभी ऋचा ने उनसे फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई थी। 1985 में जब देवानंद ने फिल्म हम नौजवान बनाई तो उन्होंने ऋचा को साइन किया। ऋचा और संजय की मुलाकात एक फिल्म के मुहूर्त के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात के बाद संजय ऋचा के दीवाने हो गए थे। वे ऋचा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। इन सब के बावजूद संजय ऋचा से मिलने का कोई न कोई बहाना निकाल ही लेते थे। संजय ने बड़ी मुश्किल से ऋचा का नंबर जुगाड़ा ताकि वे उनसे बात कर सकें। कुछ मुलाकातों के बाद संजय ने ऋचा से डेट पर चलने को कहा और वे मान गईं। ऋचा के लिए दीवाने थे संजय ऋचा के पीछे दीवाने थे। वे उन्हें लव लेटर लिखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऋचा के मेकअप मैन को भी पट्टा लिया था ताकि वे उनका शेड्यूल जान सके। इसी बीच संजय को इस बात का भी डर था कि कहीं ऋचा के पेरेंट्स को उनके पुराने अफेयर्स के बारे में पता चला तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी। आखिरकार 1987 में आई फिल्म आग ही आग की शूटिंग के दौरान संजय ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। अचानक मिले प्रपोजल से ऋचा कंफ्यूज हो गई और उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। एक बार तो संजय ने ऋचा को फोन कर कहा कि वो जब शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, वे फोन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। ऋचा जानती थी कि उनके पेरेंट्स शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी दौरान संजय ने न्यूयॉर्क जाकर ऋचा के पेरेंट्स से मुलाकात की। आखिरकार 1987 में संजय ऋचा ने शादी कर ली और एक साल बाद यानी 1988 में बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर, दोनों की फैमिली लाइफ अच्छी चल रही थी और इसी बीच पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। संजय ये जानकर टूट गए क्योंकि उनकी मां नरगिस को भी कैंसर था। ऋचा को इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। संजय भी अमेरिका आते जाते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे संजय पर फिल्मों की शूटिंग का लोड बढ़ता गया, उनका वाइफ को देखने जाना कम हो गया। इसी बीच संजय के कोस्टार के साथ अफेयर की बातें भी मीडिया में आने लगी और ये बात ऋचा के कानों तक भी पहुंची। ये अफवाह भी उड़ी कि संजय ऋचा को तलाक देकर माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं। इन अफवाहों के बीच ऋचा बेटी को लेकर मुंबई आ गई, लेकिन उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई और उन्हें न्यूयॉर्क शिफ्ट करना पड़ा। इसी दौरान संजय को अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल जाना पड़ा। ऋचा ने ली आखिरी सांस। ऋचा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। बड़ी मुश्किल से संजय को बेल मिली और वे वाइफ से मिलने जा पाए। उन्होंने डॉक्टरों से भी बात की, लेकिन सब बेकार रहा। ऋचा ने 10 दिसंबर 1996 को दुनिया को अलविदा कह दिया।